प्यारे बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेने जा रहे हैं हम मैट्रिसेस का, जिसका नाम है रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्ज़ाम में आज तक ऐसा एक भी साल नहीं गया है जिसमें ये टॉपिक ना आया हो, और वो भी 6 मार्क्स का। ये 6 मार्क्स का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल ये आपको किसी ना किसी पेपर में बिल्कुल 100%, आप कोई से भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये टॉपिक 100% मिलेगा, जिसका नाम है रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन। और बच्चों, इस ऑपरेशन में हमें शो क्या करना होता है, क्या दिखाना होता है? हमें ये दिखाना होता है कि भाई अगर कोई दो चीजें, जैसे दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बी, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीपल आई के बराबर आ जाए, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मैट्रिसेस होगा अपने साथ वाले के इनवर्स के बराबर होगा, अपने साथ वाले के इनवर्स के बराबर होगा, ये हमेशा फैक्ट है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या बताई मैंने, कि अगर दोनों का मल्टीपल हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तभी साथ वाले की वैल्यू उसके किसके बराबर आएगी, इनवर्स के बराबर आएगी। ये कौन कहता है? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला सिद्धांत कहता है बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, और उनका हम आपस में मल्टीपल कर दे, और मल्टीपल करने के बाद वो रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तो समझ लीजिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है आगे वाला, वो अपने साथ वाले के इनवर्स के बराबर होता है। ये 100% राइट है। इसके लिए कई क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अभी इन क्वेश्चनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वेरीफाई करने के लिए इस तरीके से अगर आएगा भी तो आपको वहां पे वैल्यू गिवन होंगी, आपको मल्टीपल करना आई के बराबर देखना है, तो मतलब वेरीफाइड हो गया। तो बच्चों, आपको यहाँ पे मेन ये चीज बस समझ लेनी है कि इसका जो, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बस साथ वाले का इनवर्स अपने साथ वाले के बराबर होगा ही होगा, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, आखिरकार ये ऑपरेशन क्या चीज है ये समझना है, ठीक है? और रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या चीज है इसको समझना है। तो बच्चों, इस ऑपरेशन में हम कैसे कैसे काम करेंगे, इस चीज को बड़े ध्यान से देखते हुए समझो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल एक नए लेवल का क्वेश्चन बनता है अब, क्योंकि अब तक आपने पीछे जो भी किया है उससे ये काफी हद तक डिफरेंट है। हाँ, प्लस माइनस मल्टीपल वगैरह ये तो हमारे बिल्कुल अलग चीजें थी, लेकिन ऑपरेशन जो आप इसमें करोगे ये बहुत ही ज्यादा डिफर है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जैसे मैं अभी कुछ छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चनों पे आएंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। जैसे बच्चों, मैंने मान लीजिए ये क्वेश्चन लिख लिया, एक इजी सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं अभी आपके सामने, 3.4 का, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1, -1, 2 और 3। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर देखें। क्यों? क्योंकि जब आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो अपने आप आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा कि आखिर सर ने करवाया क्या है और करवाना क्या चाहते हैं। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, अब आपको ये मैट्रिक्स दे दी गई है और आपसे क्या बोला गया है कि इसके लिए रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन करो और इसमें इनवर्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? इनवर्स फाइंड करो, ठीक है बच्चों? अब इनवर्स फाइंड करने का जो रूल है वो क्या कहता है, देखिए अभी आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के और उसके इनवर्स को आप मल्टीपल करेंगे ना, तो वो ऑलवेज आई के बराबर होता है। समझ रहे हैं? कि अगर आप कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीपल करते हैं तो वो ऑलवेज किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और एक बात और कह सकते हैं कि भाई हम अगर बात करें कि जो ए होता है, ए मैट्रिक्स, वो आई ए के बराबर भी होता है। ए मैट्रिक्स किसके बराबर होता है?
आई ए के बराबर भी होता है, समझ में आ रही है बात। अच्छा और जो ये है ए मैट्रिसेस, ठीक है ये हमारा इसके बराबर आ गया। अच्छा एक रूल और है, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा था भाई ए ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और बच्चों ये ध्यान रखना कि ए इज इक्वल टू भी आई ए, यानी कि इसे हम सही से लिख देते सॉरी, हाँ ऐसे ए आई इसके बराबर होता है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि ए इज इक्वल टू ए आई भी होता है या आई ए, जो मर्जी लिख लो आप। अब जैसे इस वाले मैट्रिक्स में मुझे ये ऑपरेशन लगाना है, इस वाले मैट्रिक्स में मुझे ये क्या लगाना है, ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। चलिए मैं लेट करता हूं कि ये ए मैट्रिक्स है, मैं लेट करता हूं कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब जब ये ए मैट्रिक्स है तो भाई अभी अभी मैंने बताया आपको कि ए जो होता है वो आई ए भी लिखा जा सकता है, अभी अभी बताया, या ए आई आई ए कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छा जब हम ये चीज ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, सीधी हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हुए इनवर्स निकालना है। किसका इनवर्स, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मतलब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ध्यान से देखना बच्चों, अभी एक रूल और है, अभी जो बताने जा रहा हूं मैं, ए इज इक्वल टू किसके है, आई ए, ये रूल है हमारे पास। अच्छा अब आपको करना क्या है, ये ए है, पुट कीजिए यहां पे वैल्यू माइनस वन वन टू थ्री। अच्छा ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कैसे पुट करेंगे, वन जीरो जीरो वन। और प्यारे बच्चों इस ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये ए जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब ये चीज तो हमने यहाँ पे भाई सामने ला के रख दी, अब करना क्या है, ये ऑपरेशन जो चीज है वो क्या चीज है, इसको कैसे टैकल करें कि हमारा आंसर आ जाए। बस बच्चों आपके माइंड में ना एक ही बात चलनी चाहिए दिमाग में, क्या चलनी चाहिए बात, कि यहां पे जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई डिवाइड एड माइनस कुछ भी करके इसको क्या करना है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इस वाली साइड को, रुक जाइए मैं मार्क कर देता हूं ढंग से, ये देखिए, हाँ जी इसको आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, हर बच्चा जानता है कि ये कौन है, फर्स्ट रो यानी कि आर वन, ये कौन है, सेकंड रो यानी कि आर टू। भाई जब ये आर वन है तो ये भी आर वन है, ये आर टू है तो ये भी आर टू है। अच्छा बच्चों ये है कॉलम, कॉलम मतलब क्या, ये बच्चों आपका है सी वन, समझ रहे हो, पहला कॉलम, ये है आपका सी टू दूसरा कॉलम। प्यारे बच्चों ये सी वन ये सी टू, तो जब ये सी वन ये सी टू तो ये भी सी वन और ये भी सी टू। अब आपको करना क्या है कि इधर वाले मैट्रिक्स को चेंज करके आपको ये बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बनाना कैसे है इसके बारे में भी काम कर लेते हैं, चलिए काम करते हैं भाई, क्या काम करना है, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक देखना जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि भाई यहां पे हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या बनाना है, जरा ध्यान से देखना बच्चों, अब करना क्या है, मैं बहुत मजा आने वाला है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो देखिए यहां तो वन है ही, यहां पे भी वन हमें चाहिए, बस बात खत्म, ये चीज तो हो चुकी है। अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको वन बनाना है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पे वन चाहिए, तो भाई यहाँ तो पहले से ही वन है, तो हम इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाओ, इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या है टू, लेकिन भाई हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस टू को सॉल्व करेंगे। अच्छा अब जब भी हमें सॉल्व करना है किसी भी चीज को, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि हम कौन से रो में काम कर रहे हैं या कौन से कॉलम में काम कर रहे हैं। अब किसी एक चीज को पकड़ लो आप, या तो रो को या तो कॉलम को। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मैं टू को चेंज करना चाहता हूं जीरो में, ठीक है, तो कौन से रो का है वो, सेकंड रो का, तो भाई मैं ना सेकंड रो के अंदर काम करूंगा, मैं किसके अंदर काम करूंगा, सेकंड रो के अंदर काम करूंगा। और क्या करना चाहता हूं मैं जीरो बनाना चाहता हूं भाई, कैसे। अच्छा ये कौन है, आर टू है, ये कौन है, आर टू है। अगर मैं इसमें से
ऊपर वाला माइनस कर देता हूं आर वन, तो क्या मुझे यहां पे जीरो मिल जाएगा? आंसर है नहीं। ठीक है, तो सर आपने कराया क्यों जब ऐसा है, नहीं आ रहा है। तो भाई चेंज करेंगे ना कुछ, क्या चेंज करेंगे भाई, टू में से टू जाएगा तो जीरो हो जाएगा। आर टू कितना है? टू। आर वन कितना है? वन। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि टू बन जाएगा? तो आंसर टू से। तो बस भाई ये भी टू, ये वन, तो टू वन जो टू हो गया, माइनस वन क्या हो जाएगा भाई? माइनस जीरो, बात खत्म। तो लीजिए आपके सामने अब क्या है भाई, करना ये छोटा सा काम। हाँ जी, हम ऑपरेशन किस में कर रहे हैं? आर टू में। तो आर वन को एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख दो। अब क्या है? आर टू। अब ध्यान से देखना, आर टू को यहां पे पुट करो, कितना आ जाएगा भाई? टू माइनस टू, आर वन की वैल्यू वन, तो हाँ भाई टू माइनस टू तो कितना आ गया, देखो जीरो बन गया। अच्छा, अब बात आती है कि ये टू आर टू का है तो ये थ्री भी तो आर टू का, प्यारे बच्चों। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो ये कितना बच्चों? थ्री, आर टू की जगह पे थ्री, और ये टू आर वन की जगह पे माइनस वन। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस, थ्री और टू कितना हो जाएगा, ये तो फाइव हो गया भाई। ठीक है, अच्छा अब एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों, जब आप इधर वाले मैट्रिक्स में चेंज करोगे तो इधर वाले मैट्रिक्स में भी चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, बार बार रिवाइंड कर करके देखना अगर बात समझ में नहीं आ रही है इसकी, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि 101% श्योर हूं मैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में। तो इसलिए इसको बार 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 करना आप, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए शुरुआत में, और एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद तो आप गाड़ी चला दोगे बहुत तेज। हाँ जी, अब क्या बताया मैंने कि जब यहां पे चेंज करोगे तो सेम यहां पे भी चेंज करना है, लेकिन हाँ काम किस में कर रहे हैं? आर टू में। तो आर वन जैसा है वैसा ही लिखो। अब आर टू में भाई हमने क्या किया? ऑपरेशन किया। तो चलिए आर टू का क्या है? जीरो। चलिए जीरो माइनस टू, आर वन कितना है? वन। तो भाई दो कम दो तो माइनस का टू, सिंपल। अब जब इसके लिए किया तो इसके लिए भी, तो आर टू की जगह पे वन माइनस टू, आर वन की जगह पे जीरो, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या? वन, ये रहा वन। तो लीजिए बच्चों आपके सामने पहला ऑपरेशन तैयार। हाँ जी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था ना, तो देखिए वन आ गया जीरो आ गया। अब ये क्या है? अब यहां पे मेरे को जीरो चाहिए, यहां पे मेरे को वन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई? मुझे साफ दिखाई दे रहा है अगर मुझे यहां पे वन बनाना है, ठीक है, तो देखिए काम ऐसा करना है आपको, काम इसके साथ ऐसा करना है कि इस पे चेंज हो जाए लेकिन ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। तो हाँ जी, ऐसा कौन सी चीज, ऐसी कौन सी चीज होगी, मल्टीप्लाई एड डिवाइड या एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में भी, जो इस पे तो फर्क डाले लेकिन इस पे नहीं डाले? तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 से 5 कट के 1 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज में हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, R2 के अंदर फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसमें हम करेंगे क्या कि R2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों। R2 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, और जब हम R2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही वाली बात, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? R2 के लिए। तो R1 जैसा है भाई वैसा ही रहेगा, इसके साथ कोई हम छेड़खानी पंगेबाजी नहीं करेंगे। चलिए अब इसके साथ भाई R2 को 5 से डिवाइड किया, इसको 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, लेकिन 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कट पिटा के क्या बन जाएगा भाई? एक। चलिए अच्छा, अब यहां पे भी ये R1 है, छेड़खानी नहीं, जैसा वैसा ही। अच्छा R2 के साथ पंगे करने हैं, तो लो जी R2 माइनस टू वाई फाइव। हाँ जी ये 1 है, 1/5 क्या बना, ये लो आपके सामने हाजिर है। अच्छा अब अगर आप देख रहोगे तो आपके दिलों में खुशियां जागने शुरू हो गई होगी। क्या खुशियां जागने शुरू हो गई? देखो 1 भाई 0 1, बस यहां एक 0 और चाहिए, मेरा काम बन गया। यानी मुझे ऑपरेशन कहां पे करना है? R1 में करना है। तो मैं ऐसा क्या काम करूं कि भाई मैं इसको चेंज भी कर दूं और इस पे फर्क भी ना पड़े? तो सिंपल, अरे मुझे दिख रहा है भाई कि अगर मैं R1 और R2 को ऐड करता हूं तो 1 प्लस 0 1, लेकिन माइनस 1 प्लस 1 0 होएगा कि नहीं? तो बस बात खत्म। ऑपरेशन किसके लिए करने जा रहे हैं? हम ऑपरेशन R1 के लिए करने जा रहे हैं। और कैसे होगा ऑपरेशन? वो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, सिंपल। गाड़ी दौड़ाइए, कहां पे काम कर रहे हैं? R1 के लिए। तो R1 कौन है? ये, यानी R2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस बात खत्म। 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, देखो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हाँ यहां से गलतियां करना शुरू करते हैं बच्चे मेन। क्या गलती करते हैं भाई बच्चों?
कि भाई जैसे ही यहां पे चेंज होता ना, इनकी खुशी का ठिकाना रह जाता और उठा के इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना बच्चों। जब यहां पे चेंज कर रहे हो तो हाथों हाथ यहां पर भी चेंज करना है। मुझे पता है कई बच्चों से अभी ये गलतियां होंगी, लेकिन आपको बार 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 इसकी प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में इन बातों को रखना है। चलिए फिर से वही वाली बात, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R2 जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए हाँ जी, तो 1 प्लस R2 यानी कि 1 प्लस में, यानी तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाय 5। 0 प्लस 1 बाय 5 तो कितना रहेगा 1 बाय 5 ए। चलिए भाई अब ये क्या बन चुका है प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मैं इसको आई लिख सकता हूं। अच्छा अब 3 बाय 5, 1 बाय 5, माइनस 2 बाय 5, 1 बाय 5 ए। अच्छा जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि भाई ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई ए या ए आई, तो उसी प्रकार बच्चों ए इनवर्स जो होता है ना वो भी ए आई इनवर्स के बराबर ही होता है। समझ में आ रही है बात, कि जो ए इनवर्स होता है वो भी आई ए इनवर्स के बराबर ही होता है। तो सिंपल प्यारे बच्चों, ए यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, और हम डिवाइड की चीज को कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। बस सिंपल, हमारा आंसर तैयार है बच्चों। क्या तैयार है आंसर, अभी अभी बताया कि आई ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आई ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स के। तो सिंपल आपका आंसर आ चुका है और यही हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, ये लीजिए आपके सामने आपका आंसर तैयार। तो इतना सा काम करना है बच्चों और हमें जो भी ये नंबर मिल जाएगा। मुझे पता है अभी फिलहाल ये 6 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है, ये बस इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको अभी समझ में आना शुरू हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाओ। समझ में आ रही है बात, जैसे जैसे अभी टाइम बीतेगा मैं धीरे 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 इसके उस लेवल पर आ जाऊंगा जो आपके 6 नंबर में एक्चुअल में आता है। अभी फिलहाल मैंने आपको जो कराया है ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर मान लो, ठीक है, जो कि आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा कि भाई आप इसको कैसे कर सकते हो ऑपरेशन को। तो ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को और इसको उतार लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी हमें रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और लगा के क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। प्यारे बच्चों बहुत ईजी है यार, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब सीख लिया, बस कुछ क्वेश्चनों की बात है, 2 से 3 क्वेश्चन देखना है, उसके बाद चुटकी बजा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर से वही वाली बात कि भाई ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब हमें क्या करना, पहले लेट कर लेना है किसी भी, मान लीजिए मैंने इसको ए मैट्रिक्स मान लिया, जरूरी नहीं है ए आप बी भी मान सकते हैं, सी डी ई एफ जो मानना मान लो। ठीक है, अच्छा अब ए तो मान लिया मैंने, अब आपको अच्छे से पता है कि भाई एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई ए के बराबर होता है। मैं a की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i की जगह पे 1001 पुट कर दूंगा कोई फर्क नहीं, a को ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है। अच्छा बच्चों अब फिर से हम उस काम पर आ जाते हैं जिस काम को हमने पहले सीखा था। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों कि हमें इस वाले ए मैट्रिक्स को चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है, और साथ ही साथ क्या बताया था, अगर इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी हाथों हाथ चेंज करना है। किसके हिसाब से, रॉ के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो आप। अच्छा अब हमने बात की थी कि भाई ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, सही बात है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये भी ये सेकेंड कॉलम है, ये भी फर्स्ट रो, ये भी सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये भी फर्स्ट, ये सेकेंड कॉलम। ठीक है जी बच्चों, अच्छा तो अब हमें चेंज करना है बच्चों। मैंने क्या बताया था कि यहां पे इसे आइडेंटिटी बनाना है, तो लो जी एक तो हमें पहले ही मिल चुका है, बस यहां जीरो बनाना है, यहां जीरो बनाना है, यहां वन बनाना है, बस भाई खत्म बात, हमें तीन को चेंज करना है, एक तो पहले से ही है। चलिए तो यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, ये तो वन है ही, यानी आर वन का काम हो गया, इसको जीरो बनाना है, तो काम किसके लिए करोगे आप, R2 के लिए। तो जरा ध्यान से समझना, अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, हम काम R2 के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, R2 के लिए। हाँ जी R2 के लिए क्या काम कर रहे हैं, हमें इसे जीरो बनाना है, तो R2 माइनस R1,
बन पाएगा जीरो? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो जीरो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, दो में से दो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टू वन जा टू माइनस टू आ गया जीरो। लो जी, हमारा काम बन गया। करें ये जरा। हाँ जी, काम किसके लिए कर रहे हैं? आर टू के लिए। तो आर वन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अच्छा, आर टू, तो यहाँ पे टू पुट करेंगे, यहाँ पे वन पुट करेंगे। टू माइनस वन, तो टू वन जा टू, तो बन गया क्या भाई? जीरो। अच्छा, इसका हो गया काम, तो इसके लिए भी करेंगे, क्योंकि ये भी तो आर टू में आता है। चलिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे सेवन और यहाँ पे पुट करेंगे थ्री। तो थ्री टू जा सिक्स, सेवन में सिक्स का कितना आ गया भाई? वन। लो जी, एक साथ तीन तीन पूरे हो गए हमारे तो। अच्छा, अब वही कहानी, मैंने बताया था ना, खुश नहीं होना है। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है? तो आर वन तो यहाँ पे भी नहीं छेड़ेंगे हम, आर टू के लिए बात हो रही है। तो भाई जीरो जीरो माइनस टू आर वन, तो यानी क्या बन गया? माइनस का टू बन गया। क्या बन गया? माइनस का टू। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? वन रखेंगे, यहाँ पे जीरो, तो यानी क्या रहेगा? वन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना बच्चों? अब देखिए, वन आ गया, जीरो आ गया, वन आ गया, बस मेरे को इसको जीरो और बनाना है, काम खत्म। यानी किसके लिए काम करना है? आर वन के लिए। और आर वन के लिए क्या काम करेंगे हम? आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, वन में से जीरो जाएगा तो वन रहेगा, ठीक है? देखो, ध्यान से देखना, पहले मेरी बात को ध्यान से समझो। हमें काम चेंज किसको करना है? थ्री को। और ये थ्री कौन से रो का हिस्सा है भाई? ये आर वन का हिस्सा है। तो आर वन में से आर टू माइनस करेंगे, तो जब आर वन में से आर टू माइनस करोगे तो वन माइनस जीरो तो भाई वन हो जाएगा। लेकिन क्या थ्री माइनस वन जीरो होगा? क्योंकि मुझे तो यहाँ जीरो चाहिए। थ्री माइनस वन क्या जीरो होगा? नहीं होगा बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो बस आपको पता है, आर टू के आगे किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों? थ्री से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? थ्री से। और जैसे ही आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? थ्री माइनस, अब आर टू की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करोगे? वन। थ्री माइनस थ्री, आंसर जीरो। सिंपल, लीजिए। हाँ जी, आर वन में चेंज करना है, पुट कीजिए वन माइनस जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, बन गया वन, तो यहाँ पे पुट करो वन। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे भाई? थ्री माइनस आर टू की जगह पे वन, तो क्या बन जाएगा? ये जीरो, ठीक है? और आर वन में चेंज किया है तो आर टू के साथ कोई पंगे नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। और जब इधर चेंज किया है, देखो बन चुका है ना, जब इधर चेंज किया है तो इधर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बस सिंपल। हाँ जी, ये रहा वन माइनस थ्री, और ये कितना? माइनस का टू, तो थ्री माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन, ठीक है? अब अगला, अब क्या करेंगे भाई? अब R1 की जगह पे जीरो, और R1 की जगह पे जीरो, और R2 की जगह पे वन, तो ये कितना आ गया? माइनस का थ्री, ठीक है बच्चों? कितना आ गया? माइनस का थ्री। और बाकी ये क्या है? माइनस टू और वन, क्योंकि इसमें तो चेंज हम करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये R1 का ऑपरेशन चल रहा है। और ये बन गया बच्चों A। क्या बन चुका है? I। A क्या है? इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा तो इनवर्स बन जाएगा। आंसर आपके सामने। हाँ जी, आई ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स। आंसर आपके सामने। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है? एक आधा क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि इसके बाद मुझे फिर थ्री वाले, थ्री रो थ्री कॉलम वाले पे आना है, क्योंकि अभी तो ये टू रोज टू, यानी कि दो रो हैं इसके अंदर और दो कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो मैं अभी मुझे थ्री रो थ्री कॉलम वाले पे भी आना है, लेकिन मैं उसे आज टैकल नहीं करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे तकरीबन उसके दो क्वेश्चन भी अगर कराने पड़ेंगे तो मुझे काफ़ी टाइम लेना पड़ेगा उसे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन दो क्वेश्चनों से जितने भी एन सी आर टी के 3.4 में क्वेश्चन हैं, ये ऐसे वाले टू वाले, टू रो टू कॉलम ऑर्डर टू टू क्रॉस टू वाले, वो सारे क्वेश्चन आप टैकल करें, और जो भी डाउट हो वो सारा का सारा डाउट मुझे सेंड कीजिए, ठीक है? लेकिन मैं अभी जाऊंगा नहीं, अभी एक क्वेश्चन और करा के जाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और देखिए आप फटाफट, ठीक है? हाँ जी बच्चों, अब देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 3.4 का, ठीक है? अच्छा, एक बात और बता दूं आपको ना, क्वेश्चन नंबर 12 और 14 ये दो क्वेश्चन नहीं करने 3.4 में, ठीक है? क्यों नहीं करने? क्योंकि इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? कैसे नहीं करेगा, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? बाकी आपको 12th और 14th नहीं करना, बाकी मैंने देखिए तीन क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है? तो कितने बचे भाई? दो क्वेश्चन तो ऐसे चले गए, 12 बचे, और 12 में से तीन क्वेश्चन मैं कराई चुका हूँ, 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मुझे वो 9 के 9 क्वेश्चन आप होमवर्क में सेंड करेंगे और बताएंगे कि जो डाउट रहेगा वो। अच्छा, एक बात और,
डाउट क्लासेस के लिए मैं एवरी संडे, ठीक है, गूगल मीट या गूगल ये हैंग आउट है ना, गूगल मीट हैंग आउट पे जो भी ये ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। फिर हम इस पे जो भी डाउट क्लासेस हैं, ठीक है, उसी पे कवर करेंगे कि जितने भी डाउट हैं। या अगर आपको चाहिए कि भाई मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके आपको डाउट भेज दूं, तो आप मुझे अपना डाउट मार्क करके, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप गूगल हैंगआउट पे अगर आप अपने डाउट लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए और मैं उस पर आ जाऊंगा फिर एवरी संडे। अच्छा, अब शुरू करते हैं बच्चों, जरा इसको देखो। अब इस क्वेश्चन में भी मैंने इसको ए लेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे इसे सबसे पहले तो देखो, आप जानते हो ए इज इक्वल टू आई ए है भाई, मुझे 3 -1 -4 और 2, आई कितना है 1 0 0 1 ए, यही है ना बच्चों। अब मुझे इसके ऊपर काम करना बच्चों। हाँ, सिंपल सी बात, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है जी, 1 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। चलिए यहाँ पे 1 बनाना है। अब बड़ा मुश्किल सा लग रहा है यार 1 बनाना, लेकिन नहीं, मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस 3 को इस -4 के साथ ऐड करता हूँ, तो आपको पता ही है अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए मैं ऑपरेशन R1 में करता हूँ, ठीक है, और R1 में ऑपरेशन क्या करना चाह रहा हूँ मैं, R1 + R2, R1 + R2। चलिए जरा देखते हैं R1 + R2 करके मुझे मिलता क्या है। बच्चों जब मैं R1 में 3 रखूंगा और R2 में -4 रखूंगा, तो मुझे -1 तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो 1 नहीं मिला, -1 तो मिला, करीब तो पहुंच गया मैं। अच्छा, R1 की जगह पे -1 और R2 की जगह पे क्या बन जाएगा भाई, प्लस का 2, तो 2 में से बन गया 1। चलो 0 नहीं मिला, लेकिन भाई 1 तो मिल गया, 0 का काफी करीब हूं मैं। अच्छा, अब R2 के साथ तो छेड़खानी बिल्कुल नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा भाई। अच्छा, जब यहां चेंज किया तो यहां भी करेंगे, R1 + R2, 1 + 0 1, 0 + 1 तब भी 1। अच्छा, कुछ बच्चे ना बड़े जोश जोश में 0 + 1 0 लिख देते, लेकिन तो इसलिए थोड़ा माइंड एक्टिव करके, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है क्या, हाँ जी, अब बात यह आती है कि भाई मुझे यहां पे चाहिए 0, मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए 0। तो चलो भाई मैं तो 0 बना लूंगा बड़े आराम से, कैसे बना लूंगा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये चलिए, अगर आप भाई आपको लग रहा है कि यार माइनस माइनस में कहीं मैं फंस ना जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, एक जुगाड़ और है हमारे पास, क्या है देखिए। R1 में भाई आपको यहां पे 1 चाहिए ना, या और है आपके पास क्या, -1, आपको माइनस खत्म करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, -1 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को, बात खत्म। तो देखो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे R1 को, आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि यहाँ का माइनस हट जाएगा 1, लेकिन भाई ये वाला 1 माइनस का बन जाएगा, तो उससे क्या, वो तो हमें 0 बनाना ही है, इसके साथ कोई पंगे लेंगे नहीं हम। और जब यहाँ चेंज किया है तो यहाँ भी चेंज करेंगे, तो ये तो पूरा ही -1 -1 बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगली बात, हाँ जी, अब क्या, यहाँ 1 चाहिए था, मिल गया, यहाँ क्या चाहिए, 0। किसके लिए काम करेंगे, R2 के लिए, और R2 हाँ जी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, प्लस, किसके साथ, R1 के साथ। लेकिन अगर मैं 4 में 1 प्लस करूंगा तो 0 आएगा, कभी नहीं आएगा भाई, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई, 4 से, क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 4 0, बात खत्म, सिंपल। थोड़ा सा सोचना बच्चों, थोड़ा सा सोचना है भाई, R1 तो जैसा वैसा ही रहेगा, पुट कीजिए यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, तो हो गया ना 0। अच्छा, अब R2 की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 2, और इसकी जगह पे माइनस का 1, तो यानी कि ये कितना हो गया, माइनस का 1 पुट करेंगे तो कितना, 2 - 4, तो यानी माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2, सिंपल। अब यहाँ पे काम करते हैं हम, हाँ जी, R2 में ऑपरेशन करना है, तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हाँ जी, R2 के लिए 0, और ये 0 + 4 क्या आ जाएगा, 0 + 4, तो यानी कि 0, और ये है हमारे पास प्लस का 4 - 1, तो यानी कि -4, ठीक। अब यहाँ पे ये कितना है, 1 + 4, ये -1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 - 4 यानी -3, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो नेक्स्ट, हमने ये कर दिया चेंज, ठीक है। अच्छा, अब किसकी बारी है, ये 1 हो गया, 0 हो गया, अब यहाँ पे 1 चाहिए मुझे किसी भी हाल में, यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो बस सिंपल क्या करेंगे, हाँ जी मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो बस R2 कीजिए भाई, यहाँ पे R2 - R1, R2 - R1, लेकिन बच्चों इससे तो मुझे फर्क पड़ जाएगा भाई, इससे तो हमें फर्क पड़ जाएगा,
ठीक है, तो हम फर्क नहीं आने देंगे, एक काम करते हैं और सिंपल कर देते हैं। ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे वन चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वन। तो लीजिए काम खत्म करते हैं। सबसे पहले काम कीजिए कि आप इस आर टू को ना टू से डिवाइड कर दो, आर टू को क्या कर दो, टू से डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं भाई काफी हद तक वन के करीब पहुंच जाऊंगा, हाँ कि ना, क्योंकि भाई टू से टू को काटो माइनस वन तो आएगा ही। हाँ जी, यहां पे क्या होगा, टू से फोर को काटेंगे माइनस टू, इससे काटेंगे क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, माइनस का थ्री बाय टू ए। अच्छा अब क्या है, अब यहां से भाई मुझे वन चाहिए था और मिला क्या, माइनस का वन। तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको अच्छे से पता है, माइनस से मल्टीप्लाई, यानी आर टू को क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक, माइनस वन से मल्टीप्लाई। तो जैसे आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे आर टू को, केस खत्म भाई, ये हो जाएगा जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन ये हो जाएगा प्लस का टू, ये प्लस का थ्री बाय टू ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, जीरो, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, जीरो। और ये कौन से कहाँ पर है, ये कौन से केस में, आर वन में। तो बस आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। तो जैसे ही आर वन प्लस आर टू आप करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, माइनस वन प्लस वन जीरो। ठीक है जी, लो जी बन गया, कीजिए सॉल्व कीजिए। हाँ जी, माइनस वन प्लस टू तो कितना बन जाएगा, प्लस का वन, माइनस वन और प्लस का थ्री बाय टू तो कितना बन जाएगा, वन बाय टू। ठीक है जी, और जो नीचे वाले हैं वो तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। हाँ जी, तो ये बन गया, ये आई बन चुका है, ए इधर आएगा, इनवर्स बन गया, वन वन बाय टू टू थ्री बाय टू। चलिए आंसर ए इनवर्स वन वन बाय टू थ्री बाय टू, ये लीजिए आपके सामने आपके लिए आंसर तैयार। तो आपको बस छोटे छोटे दो चार काम करने बच्चों, और उसके बाद आपके सामने पूरा रिजल्ट तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेंथ क्वेश्चन करा दिया गया। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, इस टेंथ क्वेश्चन के बाद अब नौ क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 3.4 के ही 3x3 ऑर्डर वाले जो काफ़ी बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को टैकल करना सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको कवर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।